नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महान संत की कहानी लेके आया हूँ जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, और उनके जीवन परिचय को मैं आज सुनाऊंगा। वो थे बाबा कीनाराम। तो इनके बारे में काफ़ी कम वर्णन है, लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना लूँ इनकी कहानी के बारे में। काफ़ी बड़ी कहानी है, आप सुनिएगा तो आपको ज़रूर आपका मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं। बाबा कीनाराम जो है उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध संत थे, और यह है एक कुलीन रघुवंशी क्षत्रिय परिवार में संवत 1684 विक्रमी में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कार इनमें बहुत प्रबल थे, और तत्कालीन रीत के अनुसार 12 वर्षों की अल्प वय में इनकी घोर अनिच्छा रहते हुए भी इनका विवाह कर दिया गया। किंतु 2-3 वर्षों बाद ही द्वारी गमन की जो है पूर्व संध्या पर इन्होंने हठपूर्वक माँ से मांगकर दूध भात खाया। उन दिनों दूध भात मृतक संस्कार के बाद अवश्य खाया जाता था। दूसरे दिन सवेरे ही वधु के देहांत का समाचार आ गया। सबको आश्चर्य हुआ कि इन्हें पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया था। यह विरक्त तो रहते ही थे, घर से भी निकल पड़े और घूमते फिरते गाजीपुर जिले के कारो ग्राम में रामानुजी महात्मा शिवाराम की सेवा में पहुंचे। कुछ समय बाद दीक्षा लेने से पूर्व महात्मा जी ने परीक्षार्थ इनसे स्नान ध्यान के सामान लेकर गंगा तट पर चलने के लिए कहा। यह शिवाराम जी की पूजन आदि सामग्री लेकर गंगा तट से कुछ दूर पहुंचकर रुक गए और गंगा जी को झुककर प्रणाम करने लगे। जब सिर उठाया तब देखा कि भागीरथी का जल बढ़कर इनके चरणों तक आ पहुंचा है। इन्होंने इस घटना को गुरु की महिमा मानी। शिवाराम जी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने किशोर कीनाराम को असामान्य सिद्ध माना और मंत्र की दीक्षा दी। पत्नी की मृत्यु के बाद शिवाराम जी ने जब पुनर्विवाह किया तब कीनाराम जी ने उन्हें छोड़ दिया और घूमते घामते नई डीह गांव पहुंचे। वहां एक वृद्धा बहुत रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसका एकमात्र पुत्र जो बकाया लगान के बदले जमींदार के सिपाही पकड़कर ले गए थे, कीनाराम जी ने वृद्धा के साथ जमींदार के द्वार पर जाकर देखा कि लड़का धूप में बैठा रखा है। जमींदार ने उसे मुक्त करने का आग्रह व्यर्थ किया। तब कीनाराम ने जमींदार को कहा, जहाँ जहाँ लड़का बैठा है वहाँ वहाँ की धरती खुदवा ले और जितना तेरा रुपया हो वो वहाँ से ले ले। हाथ दो दो गहराई तक खुदवाने पर वहाँ अवशेष पड़े रुपये मिले और सबको स्तंभित कर गए। लड़का तो तुरंत ही बंधन मुक्त कर दिया गया। जमींदार ने बहुत बहुत क्षमा मांगी। बुढ़िया ने वह लड़का कीनाराम जी को ही सौंप दिया। बीजाराम नाम था उसका। संभवतः कीनाराम जी के शरीर त्याग पश्चात वाराणसी के उनके मठ की गद्दी जो है उसी को ही मिली थी। औघड़ों के मान स्थल गिरनान पर कीनाराम जी का दत्तात्रेय के साथ स्वयं दर्शन हुए थे, जो रुद्र के बाद औघड़पन के द्वितीय प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि परम सिद्ध औघड़ों को भगवान दत्तात्रेय के दर्शन गिरनार पर आज भी होते हैं। वर्तमान काल में कीनारामी औघड़पंथी परम सिद्धों की 12वीं पीढ़ी में वाराणसी स्थित जो है औघड़ बाबा भगवान राम को भी गिरनार पर्वत पर ही दत्तात्रेय जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। गिरनार के बाद कीनाराम जी बीजा राम के साथ जूनागढ़ पहुंचे। वहां भिक्षा मांगने के अपराध में उस समय के नवाब के आदमियों ने बीजाराम को जेल में बंद कर दिया तथा वहां रखी 981 चक्कियों में से जिनमें से अधिकतर पहले से ही बंदी साधु चला रहे थे, एक चक्की इनको भी चलाने के लिए दे दी। कीनाराम जी ने सिद्धि बल से यह जान लिया तथा दूसरे दिन स्वयं नगर में जाकर भिक्षा मांगने लगे। वह भी कारागार पे पहुंच गए और उन्हें भी चलाने की चक्की दी गई। बाबा ने बिना हाथ चलाए चक्की चलने को कहा, किंतु यह तो उनकी लीला थी, चक्की नहीं चली। तब उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर चक्की पर मारी। आश्चर्य है कि सब 981 चक्कियां अपने आप ही चलने लगी। समाचार पाकर नवाब ने बहुत क्षमा मांगी और बाबा के आदेश अनुसार यह वचन दिया कि उस दिन से जो भी साधु महात्मा जूनागढ़ आएंगे उन्हें बाबा के नाम पर 2.5 पाव आटा रोज दिया जाएगा। नवाब की वंश परंपरा भी बाबा के आशीर्वाद से ही चली। उत्तराखंड हिमालय में
बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद किनाराम जी वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर रहने वाले अवघड़ बाबा कालूराम, जिनको कहा जाता है कि वो स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे, के पास पहुँचे। कालूराम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शवों की बिखरी हुई खोपड़ियों को अपने पास बुला बुला कर घने चने खिलाते थे। किनाराम को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी परम सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। कालूराम ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि यह शक्ति केवल किनाराम में है। इन्हें देखकर कालूराम ने कहा, भूख लगी है, मछलियाँ खिलाओ। किनाराम ने गंगा तट की ओर मुख कर कहा, गंगिया ला एक मछली दे जा। एक बड़ी मछली स्वतः पानी से बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद कालूराम ने गंगा में बहे जा रहे एक शव को किनाराम को दिखाया। किनाराम ने वहीं से मुर्दे को पुकारा और वह बहता हुआ किनारे आ लगा, उठकर खड़ा हो गया। बाबा किनाराम ने उसे घर वापस भेज दिया और उसकी माँ ने उसे बाबा की चरण सेवा के लिए छोड़ दिया। इन सब के बाद कहते हैं कालूराम जी ने अपने स्वरूप के दर्शन दिया और किनाराम को साथ की कुंड यानी कृमि कुंड भैदनी वाराणसी ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इस स्थान को गिरनार समझो, समस्त तीर्थों का फल यहां मिल जाएगा। किनाराम तब से मुख्यतः उसी स्थान पर रहने लगे। अपने प्रथम गुरु वैष्णव शिवाराम जी के नाम पर उन्होंने चार मठ स्थापित किए तथा दूसरे गुरु औघड़ बाबा कालूराम की स्मृति में की कुंड वाराणसी, रामगढ़ चंदौली तहसील वाराणसी, देवल यानी कि गाजीपुर और हरिहरपुर जौनपुर में चार औघड़ गद्दियां कायम की। इन प्रमुख स्थानों के अतिरिक्त तकिया भी कितनी ही हैं। सहज ही प्रश्न उठता है कि औघड़ कौन है। औघड़ संस्कृत का रूप अघोर है और शक्ति का साधक होता है। यह चंडी, तारा, काली, यह सब शक्ति के रूप हैं और ये माने जाते हैं। तो इसमें यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्र की कल्याणकारी मूर्ति को शिवी की संज्ञा दी गई है। शिवा को ही अघोरा कहा गया है। शिव और शक्ति संबंधी तंत्र ग्रंथ यह प्रतिपादित करते हैं कि वस्तुतः यह दोनों भिन्न नहीं हैं, ये एक अभिन्न तत्व हैं और रुद्र अघोरा शक्ति के संयुक्त होने के कारण ही शिव हैं। संक्षेप में इतना जान लेना ही आपके लिए पर्याप्त है कि बाबा किनाराम ने इसी अघोरा शक्ति की साधना की थी। ऐसी साधना के अनिवार्य परिणाम स्वरूप चमत्कारी दिव्य शक्तियाँ अनायास प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे साधक के लिए असंभव कुछ भी नहीं रह जाता, वह परमहंस पद प्राप्त हो जा कर लेता है और कोई भी ऐसा सिद्ध प्रदर्शन के लिए चमत्कार नहीं दिखाता। उसका ध्येय लोक कल्याण होता है। औघड़ साधक की बुद्धि भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। वह प्रचलित संस्कारिक मान्यताओं में बंधकर नहीं रहता। सब कुछ अवधून कर उपेक्षा कर उठ जाना ही अवधूत का पद माना जाता है। अघोरी संप्रदाय के बाबा किनाराम विक्रमी संवत 1658 के भद्र मास की कृष्ण पक्ष की अघोर चतुर्दशी को सूर्योदय काल में ग्राम रामगढ़ चंदौली वाराणसी में जो है जन्मे थे। उनके पिता रघुवंशी छत्री श्री अंकवर सिंह जी थे। महात्मा दत्तात्रेय से बाबा किनाराम ने दक्षिण भारत में दीक्षा ली थी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और 421 वर्ष पूर्व इन्होंने प्रज्वलित की थी एक धुनी, आज भी जो है काशी के क्रीम कुंड स्थल पर जल रही है। बाबा के बैठने का तख्त भी यहाँ यथावत है। यही बाबा की समाधि स्थल भी है। लोलार्क छठ पर प्रतिवर्ष यहाँ विशाल मेला लगता है। क्रीम कुंड के रोग निवारक कई चमत्कार विख्यात हैं। कहा जाता है कि बाबा ने संवत 1856 विक्रमी में 178 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। वाराणसी के दक्षिणी भाग में स्थित काशी मगध जो काशी नरेश के महल में हलचल हुई थी। सवेरे से ही वेद पाठी वेद के चारों अंगों का पाठ कर रहे थे। नगर के गणमान्य नागरिकों के अलावा अनेक साधु संत यहाँ पर उपस्थित थे। तो राजा चेत सिंह यहाँ शिव मंदिर बनवाकर जो है शिवलिंग की प्रतिष्ठा करा रहे थे। चेत सिंह के आदेश दे रखा था कि ऐसे शुभ अवसर पर कोई अवांछनीय व्यक्ति समारोह में न आए। वंश परंपरा से काशी नरेश शिव भक्त थे और काशी के नागरिक भी गीता अनुसार नारायणम चा नराधिपम यानी काशी नरेश का स्वागत हर हर महादेव के नारे से करते थे और उन्हें शिव का प्रतीक समझा जाता था। सहसा महल में चेत सिंह का वज्रकंठ कंपित हो उठा और वो गुस्से से बोले, यह नरपिशाच यहाँ कैसे आ गया, बाहर निकालो इस चंडाल को। सभी कर्मचारी भयभीत हो उठे। सबने किनाराम बाबा को खड़े देखा।
कई कर्मचारी बाबा की ओर लपके, तभी कीनाराम बाबा ने कहा, तूने मेरा अपमान किया है, इसका फल तुझे शीघ्र मिलेगा। यह मत भूल कि तूने विदेशियों को शिकस्त दी है, वे तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि मेरी तरह तुझे भी इस महल से विदा होना पड़ेगा। कीनाराम की इतनी बातें सुनकरने के बाद चेत सिंह आपे से बाहर हो गए। राजा को क्रोध देकर पहरेदारों ने जबरन कीनाराम को घसीटना प्रारंभ कर दिया। बाबा कीनाराम ने कहा, देख लेना, यह बाबा का श्राप है, तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, इस महल में उल्लू चमगादड़ रहेंगे, तेरा वंश भी समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी समय महल के भीतर सदानंद बख्शी ने प्रवेश किया और बाबा कीनाराम के प्रति इनकी गहरी आस्था थी। राजा साहब के यहाँ से जाने के बदले वे बाबा को आदरपूर्वक अपने आश्रम तक पहुँचाए। महल वापस आने के बाद मुंशी सदानंद को सारी बातें मालूम हुई। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जो कुछ भी हुआ अनुचित हुआ। बाबा कीनाराम तो सिद्ध पुरुष हैं, नगर के लोग आपको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, जरूर किसी मतलब से आए होंगे, कहीं उनका श्राप फलीभूत हुआ तो क्या होगा। दूसरे दिन सदानंद क्रीम कुंड बाबा के आश्रम में आए और राजा को के दिए गए श्राप के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। बाबा कीनाराम ने कहा, आप जो बात जबान से निकल गई वह तो होकर रहेगी, उसे अपनी बहादुरी पर गर्व हो गया है, लेकिन मैं साफ देख रहा हूँ कि उसका पतन होने वाला है। सदानंद ने भीत स्वर में कहा, तब तो लोगों का क्या होगा, मेरा अनुरोध है कि आप राजा पर कृपा कीजिए। बाबा ने कहा, साधु का वचन कभी टलता नहीं है। बाबा ने कहा, अब काशी के मलेच्छ अंग्रेज कब्जा करेंगे, राज परिवार उनके अधीन होगा, जब विदेशी शासक चले जाएंगे तब दिल्ली में इस देश के लोगों का राज्य शुरू होगा, तब स्थिति बदलेगी और तेरे घर की स्थिति भी बदलेगी। जा बख्शी, तू घर जा, जब तक तेरे वंशजों का नाम के नाम से आनंद शब्द जुड़ा रहेगा तब तक तेरा वंश चलेगा। मैं तुम्हारे मनोविषय को समझ रहा हूँ, तुम्हारे वंश को कोई हानि नहीं होगी, समझे सदानंद। एक काम करना, भविष्य में तुम्हारे वंशधर अपने नाम के पीछे आनंद शब्द अगर जोड़ लेंगे तो तुम्हारा वंश अनादिकाल तक चलेगा, अब तुम जा सकते हो। कीनाराम ने के श्राप का प्रभाव दिखाया और राजा चेत सिंह को शिवालय के किले में भागना पड़ा। राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। यह बात भी सत्य सिद्ध हुई। सदानंद के वंशज डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो आप समझ लीजिए कि संपूर्णानंद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे वो सदानंद के वंशज थे। आज भी उनके परिवार में आनंद शब्द प्रचलित है। बाबा कीनाराम का जो ये जो थे ये तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और बचपन से ही राम के प्रति जो है अनुरक्त थे। अवकाश के समय ये अपने गांव के अन्य साथियों समेत रामधुन जो है गाया करते थे। उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी, इस प्रथा के अनुसार इनका 12 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया था और विवाह के 3 वर्ष के बाद गौना लाने की तिथि निश्चित की गई। यात्रा के एक दिन पूर्व उन्होंने अपनी माँ से दूध भात खाने का आग्रह किया। माँ बिगड़ गई, कल तुम्हारा गौना है, आज तुम दूध भात मांग रहे हो, दही भात खा लो। कीनाराम ने हाथ पकड़ लिया और लाचारी माँ ने दूध भात देना पड़ा। दूसरे दिन जब यात्रा की तैयारी हो चुकी थी तो ससुराल पर से समाचार आया कि वधू की मृत्यु हो गई। माँ ने रोते हुए कहा, कोई ना कोई अशुभ होगा, सोच लिया था, तुमने दूध भात क्यों खाया, ऐसा जिद्दी लड़का है, क्या कहूँ। कीनाराम ने कहा, माँ उसके मरने के बाद ही मैंने दूध भात खाया है, विश्वास ना हो तो पिताजी से पूछ लो कि वह कल शाम को ही मर गई थी, मैंने दूध भात तो रात को खाया था। माँ के ये समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग इस बात पर आश्चर्य करने लगे कि आखिर कीनाराम को इस बात का पता चला कैसे। इस घटना के बाद वापिस विवाह की बात चलने लगी। कीनाराम ने इनकार कर दिया, दबाव पड़ने पर चुपचाप घर से निकल पड़े। घूमते घूमते गाजीपुर आ गए। इस प्रकार से जो है इनकी कहानी जो है आगे चलती रही और इस प्रकार की कहानी आगे बढ़ती रही। कहते हैं कि एक बनारस के ईश्वर गंगी मोहल्ले में बाबा लोटादास जो थे वो रहते थे, उनको लोटा की सिद्धि प्राप्त थी। वे उस पात्र में से मनोवांछित वस्तु निकालकर दूसरों को दे देते थे। कीनाराम ने किसी समय लोटादास को किसी मामले में सहायता की थी, तब से दोनों में प्रगाढ़ संबंध था। एक बार लोटादास ने भंडारा किया, उसमें कीनाराम को निमंत्रित नहीं किया। कीनाराम चुपचाप जाकर वहां बैठ गए। जब भोजन के लिए पत्तल और पानी परोसा गया तो पत्तलों पर मछलियां कूदने लगी और पानी में शराब की दुर्गंध आने लगी, तो लोटादास ने आकर बाबा से क्षमा मांगी। तब सब्जी की जगह तैर रही मछलियां बदल गईं और पानी में दुर्गंध
की जगह सुगंध वापस आ गई। लोटा दास ने अपने सिद्ध लोटा से कीनाराम के पात्र कपाल, जिसको कपाल कहते हैं, में भोजन देना शुरू किया। कई लोटा और दही देने पर भी कपाल नहीं भरा। क्षमा मांगने पर कीनाराम ने लोटा दास के भंडार गृह में पहले से 4 गुनी अधिक दही पूड़ी की व्यवस्था कर दी। एक बार जो है कीनाराम जी अपनी जन्मभूमि रामगढ़ में रह रहे थे, उनके पास आकाश मार्ग से एक भैरवी आई जो पूरी तरह से नग्न थी। महाराज ने अपनी जटा से एक बहुत सुगंधित रेशमी वस्त्र निकालकर भैरवी के ऊपर फेंक दिया। भैरवी के ऊपर जो कोई वस्त्र फेंका जाता था वह जल जाता था, पर वह वस्त्र नहीं जला। भैरवी आश्चर्य में पड़ गई। बाबा के पास एक लंगोटी रहती थी, नहाने के पहले उसे धुलकर आकाश में फेंक देते थे। नहाने के बाद हाथ आकाश में उठाते और लंगोटी उनके हाथ में आ जाती। लंगोटी को फटकारने पर उसमें चिंगारियां निकलती थी, हाथ के सुरकने पर उसमें रंग बिरंगी किरणें निकला करती थी। बाबा ने औरंगजेब को फटकारा था कि धर्म के नाम पर पृथ्वी को ना रंगे, भविष्य आपका कृतज्ञ नहीं होगा, आपकी मृत्यु नज़दीक है, आप लोलुप चित्त हैं और कभी भी आपका दिल्ली पहुंचना कठिन है, आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार की बात है, उन्होंने अपने सामने उपस्थित कामासक्त स्त्रियों को उपदेश के द्वारा काम वासना रहित कर सन्मार्ग पर पहुंचाया था। एक बार बाबा मुंगेर जिले में शमशान के समीप जो है चतुर्मास से कर रहे थे, यानी 4 महीने रहना जिसे कहते हैं, एक मध्य रात्रि में पीले रंग के मंगलिक वस्त्र को पहने खड़ाओं पर चढ़ी एक योगिनी आकाश मार्ग से बाबा के सामने उतरी और निवेदन किया, गिरनार की काली गुफा में निवास करती हूँ, अंतः प्रेरणा हुई है और आपके पास आ गई हूँ, आप तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मेरे साध्य को पूरा करें ताकि मैं पूर्ण हो जाऊँ। शमशान में एक शव था, 4 खूटियाँ 4 कोनों में गाड़ कर शव के हाथ पैर को 4 खूटियों से बांध दिया गया। लाल वस्त्र से शव को ढककर उसका मुंह खोल दिया गया। योगिनी और महाराज भल्लिंग आसन पर बैठकर शव के मुख में हवन करते रहे। योगिनी तृप्त हुई, अंत में शमशान देवता नंदी पर बैठकर उपस्थित हुए और इस साधना को सफल होने का आशीर्वाद दिया। अभी भी यदा कदा जूनागढ़ और अहमदाबाद मार्ग पर योगनियों का दर्शन लोगों को मिलता रहता है। इस प्रकार अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएं बाबा के जीवन में घटित हुईं और उनका जीवन जो है अलग अलग चीज़ों को जो है प्रसिद्ध रहा। उनके जीवन की बहुत सारी कहानियां और भी हैं, तो उसमें ही एक जो है का एक बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें कई कहानियां मैंने आपको नहीं बताई हैं, लेकिन ये इतनी कहानियां मुझे पता थी, मैंने वो आपको बता दी हैं। हालांकि औरंगजेब की भी उसमें और शाहजहां की भी कहानी इसमें जो थी है, लेकिन उसके बारे में कभी और बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी और इनकी जीवनी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।